हेलो व्यूअर, स्टडी गोल्स और चैनल में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 डिमांड चैप्टर का आज टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पहले किसको बोला जाता है वो हमें समझना चाहिए। हमें आगे के लेक्चर में देखा कि लॉ ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं कि जिसमें प्राइस और जो डिमांड है उसका रिलेशन कैसा हो, नेगेटिव हो, और अदर जो थिंग है वो कैसी हो, कॉन्स्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। मीन्स प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ। सेम प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन बताता है किसका, पॉजिटिव और डिमांड का। पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का क्या करता है, पॉजिटिव रिलेशन कंसीडर करता है। जैसे कि प्राइस बढ़ी, डिमांड भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। वैसे ही प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड भी क्या हुई, डिक्रीज हुई। और ऐसा जो रिलेशनशिप है वो किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, सिक्स रॉबर्ट ग्रिफन ने। और उसको क्या बोला जाता है, ग्रिफन पैराडॉक्स और रॉन्ग सॉल्यूशन बोला जाता है। अब इसको हम डिनोट करें ग्राफ के फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। अब प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी हो रही है, अब प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई। प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो अभी कौन सा रिलेशन फॉर्म होता है, पॉजिटिव रिलेशन फॉर्म होता है। ऐसा किसने बोला था, सिक्स रॉबर्ट ग्रिफन ने बोला था। मीन्स प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। जो क्यू से क्या बढ़कर हो गई, क्यू वन, और प्राइस पी से बढ़कर क्या हो गई, पी वन। ऐसा रिलेशन जो बने उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और डिमांड का। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसको क्या बोलते हैं, रॉन्ग सॉल्यूशन। जो हमने पढ़ा उससे क्या है, टोटली डिफरेंट है। इसी वजह से यहाँ पे क्या वर्ड यूटिलाइज हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कॉजेस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होने के पांच कॉजेस है, उसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। जैसे कि इग्नोरेंस, वॉर एंड इमरजेंसी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मींस प्रेस्टिजियस गुड्स एंड हैबिटेटेड गुड्स की बात करेंगे। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का कहना चाहता था कि प्राइस इंक्रीज, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज। मींस रिलेशनशिप कैसा बन रहा था, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा था। क्यों, बिकॉज ऑफ बहुत सारे कॉजेस है। तो फर्स्ट कॉजेस देखे, इग्नोरेंस क्या होता है, इग्नोरेंस। अब कोई ऐसा बंदा है कि जो करियाना की दुकान होती है वहां पे गया, करियाना की जो शॉप होती है वहां पे, तो वहां पे वो क्या करेगा, 25 रुपए जो राइस है वो 27 रुपीज में, 25 वाले जो 27 रुपीज में मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, उसकी जो डिमांड है उसमें ज्यादा फर्क गिना जाएगा नहीं। मीन्स उसने क्या किया, इग्नोरेंस किया। मीन्स वो 2 रुपीज प्राइस बढ़ी उससे उसका कुछ लेना देना नहीं, उसको तो लेना था 5 केजी तो उसने ले लिया। मीन्स उससे डिमांड के साथ कोई रिलेशन बनता नहीं है प्राइस का। मीन्स टोटली क्या करेगा, वो इग्नोरेंस करेगा। ऐसे ही देखें तो वॉर एंड इमरजेंसी, कभी कभी क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, तो इसकी वजह से आपको पता है कि कोई भी गुड्स है तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। पता है कि आगे जाके फूड और सेंटर जिसकी शॉर्टेज होने वाली है, इसी वजह से जो 10 रुपीज वाली चीज है वो आपको 50 रुपीज में या 100 रुपीज में मिलेगी, तो क्या उसको क्या करोगे, परचेस करोगे। मीन्स वो आपकी नीड है, तो वहां पे भी रिलेशन फॉलो नहीं होता किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। ओके, तो वो है इमरजेंसी में। तीसरा नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की नेसेसिटी की जो जरूरतें है उसके साथ डिमांड का जो लो है वो रिलेटेड नहीं है। जैसे कि लाइफ की नेसेसिटी चीज क्या है, एक तो फूड है, विदाउट फूड पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा क्या है, सॉल्ट है, जिसमें वो आपको चाहिए वो, उसकी भी प्राइस ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। दूसरा शेल्टर मीन्स रहने की जगह। तीसरा अभी तो इंटरनेट है, मीन्स इंटरनेट जो नेसेसिटी हो गई है कि उसके बिना आपको चलता ही नहीं। मीन्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ
वाली जो प्रोडक्ट है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता नहीं है। वैसे ही देखे तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स प्रेस्टिजियस चीज है कि जो आपको स्टेटस बताए, वैसे जैसे कि मर्सिडीज लाओ, एप्पल का मोबाइल परचेस करो, तो वैसी जो चीजें है कि जो पिछले आती है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स आपको 5 करोड़ रुपीज की जो मर्सिडीज है उसमें 3 लाख बढ़ा देंगे तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मीन्स उसकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्राइस इंक्रीज होगी तो भी, मीन्स प्रेस्टिजियस गुड के ऊपर कौन सा लो नहीं फॉलो होता, लो ऑफ डिमांड फॉलो होता नहीं है। और लास्ट हैबिटेटेड गुड्स, हैबिटेटेड गुड्स मीन्स जिसकी हमें हैबिट हो गई है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आप देखो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो तंबाकू या सिगरेट या ऐसी चीजें कि जिसकी उसको क्या हो गई, हैबिट हो गई, उसकी प्राइस कितनी भी ज्यादा हो तो भी वो उसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे, मीन्स उसकी डिमांड और प्राइस के रिलेशन में ज्यादा फर्क होगा नहीं, मीन्स हैबिटेटेड गुड्स एक ऐसी चीज है कि जो लो ऑफ डिमांड को फॉलो करती नहीं है, मीन्स पहला तो इग्नोरेंस करेंगे, दूसरा अगर इमरजेंसी के टाइम जो सिचुएशन होती है वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हो, और हैबिटेटेड गुड्स जो कॉजेस है, इसके कॉजेस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लो ऑफ डिमांड। बात करते हैं अब हम चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब चेंज इन डिमांड कम होता है, चेंज इन डिमांड होता है प्राइस कॉन्स्टेंट रहे और अदर जो थिंग है वो क्या हो, फ्लक्चुएशन हो, मीन्स बढ़े और कम हो, तब क्या होता है डिमांड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसको बोलेंगे, जिसमें अदर जो थिंग है वो कैसे कॉन्स्टेंट रहे और प्राइस है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो और उसके हिसाब से डिमांड भी क्या हो, इंक्रीज और डिक्रीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब आपको क्वेश्चन हो अदर थिंग मीन्स, और हमें आगे के लेक्चर में पढ़ा था कि अदर थिंग्स कौन सी होती है जो डिपेंड करती है डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, में हमने देखा था कि DSF, PF मीन्स प्राइस, P मीन्स क्या होता है, P मीन्स M मीन्स मनी इनकम, T मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, PL पॉपुलेशन, टाइम और प्राइस रिलेटेड गुड्स, इतनी जो थीम है वो क्या है, अदर थीम है, प्राइस के अलावा मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम एंड प्राइस रिलेटेड गुड्स, तो इतनी चीज जो है वो कॉन्स्टेंट ना रहे, प्राइस को कॉन्स्टेंट कर दो तब जो चेंज हो उसको क्या बोला जाता है, चेंज इन डिमांड बोला जाता है। उसमें दो टाइप है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज कब होगा, प्राइस कैसे रहे, कॉन्स्टेंट रहे, बट अदर थिंग है वो क्या हो, इंक्रीज हो, और इसी वजह से डिमांड में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि प्राइस कॉन्स्टेंट रही मीन प्राइस बढ़ी, मीन जो डिमांड रही नई बनेगी वो कहां पर बनेगी, जैसी बनेगी मीन से डी और ए डी, मीन से क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, Q1 हो गई जो पहले Q थी, कब, जब प्राइस कॉन्स्टेंट रही अदर थिंग इंक्रीज हुई और इसी वजह से डिमांड में भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, अदर थिंग मीन्स मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम एंड प्राइस रिलेटेड गुड्स, मीन्स ये कहां पे शिफ्ट हुआ, राइट वर्ड साइड शिफ्ट हुआ, मीन्स इकोनॉमिक्स में एक चीज फिक्स है, राइट साइड हुआ शिफ्ट मीन्स इंक्रीमेंट हुआ। दूसरा डिक्रीज इन डिमांड किसको बोलेंगे, प्राइस कैसी हो, कॉन्स्टेंट हो, बट अदर थिंग हो क्या हो, डिक्रीज हो, तब डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज, मीन प्राइस तो वही है बट क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, मीन्स यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी, मीन क्वांटिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, मीन जो पहले थी उससे कम, जब अदर थिंग क्या हुई, डिक्रीज हुई, इसी वजह से। तो ये तो बात हुई किसकी, चेंज इन डिमांड की। वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो कब होता है, जब अदर थिंग कॉन्स्टेंट हो, मीन्स मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम, प्राइस रिलेटेड गुड्स वो कैसा हो, कॉन्स्टेंट हो, बट किसका रिलेशन हो, प्राइस और डिमांड का रिलेशन, प्राइस बढ़ेगी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी,
तो वैसा जो रिलेशनशिप आता है उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड और एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड किसको बोलते हैं, अदर थिंग तो कांस्टेंट ही रखनी है, प्राइस इंक्रीज डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई, कंस्ट्रक्शन में क्या होना, कम होना, डिमांड का क्या होना, कम होना, उसको ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्राइस है वो पहले ही इतनी थी और तो क्वांटिटी कितनी थी, इतनी थी, जैसे कि पी और यहाँ पे एक्स। अब प्राइस क्या हुई, बड़ी, प्राइस बड़ी मीन्स डिमांड में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, मीन्स यहाँ पे जो होगा वैसा रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन आया एक्स वन, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, पी वन हुआ, तब क्वांटिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। वैसे ही एक्सटेंशन इन क्वांटिटी इन डिमांड मीन अदर थिंग है वो कॉन्स्टेंट रखो, प्राइस क्या करो, डिक्रीज हो और डिमांड क्या हो, इंक्रीज हो, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मीन्स बढ़ना। तो डिमांड कब बढ़ती है, प्राइस जब इतनी थी तब क्वांटिटी को इतनी थी, अब प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, प्राइस कम हुई, प्राइस क्या हुई, पहले थी उससे कम हुई, मीन डिमांड क्या हुई, बढ़ी। मीन यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा राइट वर्ड साइड शिफ्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मीन टू है चेंजेस, एक चेंज इन डिमांड, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे अदर थिंग कॉन्स्टेंट और यहाँ पे प्राइस कॉन्स्टेंट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर योर लविंग सपोर्ट।